नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्रिकेट केसरी में। मैं हूं अभिनव। भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी केएल राहुल बीते आईपीएल के दौरान बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग करते वक्त चोटिल हो गए थे, जिसमें उन्हें हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई थी और मैदान पर ही लेटकर वो कहरने लगे थे। उसके बाद उस वक्त फिजियो ने आईपीएल से बाहर होने का उन्हें आदेश दिया और फिर सर्जरी के लिए लंदन वो चले गए। वहीं अब वो घर वापसी कर चुके हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए दी। तो आइए वीडियो के जरिए आपको बताते हैं कि अब केएल राहुल कब तक भारतीय टीम में वापस से शामिल हो सकते हैं। दरअसल लगभग एक महीने पहले केएल राहुल आईपीएल के दौरान चोटिल हो गए थे और फिर लंदन चले गए थे सर्जरी के लिए। सफलतापूर्वक सर्जरी के बाद वो स्वदेश लौट चुके हैं और अब रिहैब के लिए एनसीए ज्वाइन कर लिए। कल उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कुछ तस्वीरें अपने फैंस के साथ साझा की और लिखा होम। वहीं केएल राहुल चोट के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से भी अपना नाम वापस ले लिए थे, ताकि उन्हें चोट से उभरने का पर्याप्त समय मिल सके। वहीं देखा जाए तो केएल राहुल के चैंपियनशिप के फाइनल में बहुत कमी खली थी, क्योंकि यह हम सबको पता है कि वो एक अनुभवी खिलाड़ी हैं और इंग्लैंड में उनका रिकॉर्ड काफ़ी शानदार है। खैर, अब चैंपियनशिप तो बीत चुका है और भारत को 209 रन से हार का सामना करना पड़ा। वहीं अब केएल राहुल कब भारतीय टीम में वापसी करेंगे, यह कह पाना फिलहाल काफ़ी मुश्किल है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि वो एशिया कप से भारत के स्क्वाड में होंगे। अगर ऐसा होता है तो भारतीय टीम के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि वर्तमान में भारत के पास अभी कोई अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज नहीं है। पिछले साल के अंत में ऋषभ पंत भी एक हादसे का शिकार हो गए थे, जिस वजह से वो लगभग एक साल से ज़्यादा तक क्रिकेट से दूर रहेंगे। वहीं केएल राहुल भी आईपीएल के दौरान चोटिल हो गए थे। तो उम्मीद करें कि राहुल जल्द से जल्द भारतीय टीम में वापसी करें, ताकि भारत का विकेटकीपर के साथ साथ मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाजी भी मजबूत हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राहुल अब तक 47 टेस्ट, 54 वनडे और 72 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उन्होंने क्रमशः 2642 रन, 1986 रन और 2265 रन बनाए हैं। राहुल ने अपने इंटरनेशनल करियर में 14 शतक भी लगाया है। तो यह देखने वाली बात होगी कि राहुल कब तक भारतीय टीम में शामिल होते हैं। फिलहाल क्रिकेट से जुड़ी ऐसी और भी अपडेट को जानने के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।